अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ इन होम। व्हेन एवर यू गो आउटसाइड द होम, यू वेयर मास्क एंड ग्लव्स एंड देन यू कम एट होम, यू वॉश योर हैंड 20 सेकेंड्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सिद्रा फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। हाउ आर यू माई स्टूडेंट्स? Today I give you a revision capital letters, then we start our work. Okay, पहले हम revision करेंगे, फिर हम अपना work start करेंगे. Okay, now. Okay students, in previous video I introduction of W X Y Z. हमारा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स फिनिश हो गए हैं, मैंने सबका आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, सो हम इनको रिवाइज करेंगे, देन वी स्टार्ट आवर वर्क। ओके नाउ, कैपिटल लेटर्स ए ए ए, बी बी बी, सी C C, D D D, E E E, F F F, G G G, H H H, I I I, J J J, K K K, L L L, M M M, N N N, O O O, P P P, Q Q Q, R R R, S S S, T T T, U U U, V V V, W W W, X X X, Y Y Y, Z Z Z। Okay students, again I repeat, अब मुझे आप लोग इसी तरह, अगर आपके घर में बोर्ड हो, बोर्ड पर बोर्ड नहीं है तो कॉपी पर इसी तरह से राइट करके, रीडिंग करके मुझे वीडियो सेंड करेंगे। ओके, और इस तरह भी आप लोग रीड कर सकते हैं। A for apple, B for ball, C for cat, D for drum, E for egg, F for fish, G for glass, H for house, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lamb, M for mango, N for net, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for ring, S for sun, T for tree, U for umbrella, V for vase, W for watch, X for x-ray, Y for yo-yo, Z for zebra। इस तरह से भी आप लोग मुझे अपनी वीडियोस बना के मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जिस तरह टीचर आपको शो करती हैं, उस तरह से अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप लोग वीडियो मेक करके सेंड कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन
आपको देनी है वीडियो में. ओके नाउ हम ए बी सी सिंग भी करते हैं जिस तरह हम लोग क्लास में सिंग करते थे. ओके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू ई डब्ल्यू एक्स वाई जेड. इस तरह से आप लोग सिंग भी कर सकते हैं. ओके और इस तरह से भी सिंग करके मुझे वॉइस नोट सेंड करने हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो जो मैंने आपको कहा है आप मुझे सेंड करेंगे. जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई तो उसको मैं बहुत सारे स्टार्स दूंगी, हैप्पी फेसेस दूंगी. ओके सो बहुत अच्छी सी वीडियो मेक करनी है. ओके नाउ कम इनटू आवर वर्क. ओके स्टूडेंट्स टुडे वी आर डूइंग बुक वर्क. दिस इज आवर इंग्लिश बुक. ओके आज हम करेंगे बुक वर्क. ये आपकी इंग्लिश की बुक है. ओपन योर बुक लाइक दिस एंड ओपन पेज नंबर 60. ओपन पेज नंबर 60. ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट वर्क. सो वी पुट डेट हियर. ओके 12 इज द मंथ ऑफ दिसंबर एंड 2020. रीड दिस वोवेल्स. व्हाट इज दिस वोवेल्स. Vowels, vowels. First of all, I give you introduction of vowels. What is vowels? Vowels क्या होते हैं? We have a five vowels. हमारे पास five vowels हैं. Okay? A, E, I, O, U. Again, I repeat. A, E, I, O. U. Again I repeat A E I O U. Okay? A E I O U. Okay? These are vowels. हमारे पास कितने वॉवेल्स हैं? फाइव वॉवेल्स हैं. वी हैव अ फाइव वॉवेल्स. ओके काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. हमारे पास कितने वॉवेल्स हैं? फाइव वॉवेल्स हैं. एंड हाउ कौन कौन से? ए ई आई ओ यू. और ये बहुत सिंपल है. कोई अगर पूछेगा वॉवेल्स क्या होते हैं तो आपको कैसे सुनाना है? ए ई आई ओ यू. बहुत सिंपल. ओके नाउ आई टेल यू वॉवेल्स होते क्या हैं. वॉवेल्स वो वर्ड्स होते हैं, वो साउंड्स होते हैं जो हम अपना माउथ यानी अपना मुंह ओपन करके बोल सकते हैं, जिसमें हमारी जबान हमारे लिप्स पे टच नहीं होती, हमारे ऊपर की टीथ पे टच नहीं होती, हमारी जबान टच नहीं होती है, सिर्फ हम अपना माउथ ओपन करके बोलते हैं. लाइक दिस ए ई आई ओ यू. आप लोग भी इस तरह से साउंड्स प्रोनाउंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी जबान कहीं पे टच नहीं हो रही है, हमारी ना टीथ पे टच हो रही है ना हमारे लिप्स पे टच हो रही है, हम इसमें अपना माउथ ओपन करके बात यानी साउंड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं. ए ई आई ओ यू. अगेन आई रिपीट वी हैव अ फाइव वॉवेल्स नेम्स ए ई आई ओ यू. अगेन आई रिपीट ए ई आई ओ यू. ओके वॉवेल्स से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं. वो एक्टिविटीज़ मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर परफॉर्म करवाऊँगी. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी डूइंग बुक वर्क. हम अपने बुक वर्क पर आ जाते हैं. ओके नाउ पेज 60. पेज 60. ओके रीड दिस लाइन. Write the vowels in the fingers. अभी मैंने आपको बताया था vowels के कितने होते हैं. Vowels five होते हैं. अब यहाँ एक boy है, उसके fingers open हैं. और how many fingers? 1 2 3 4 5. उसकी कितनी fingers open हैं? उसकी
फाइव फिंगर्स ओपन है और वॉवल्स कितने होते हैं, वॉवल्स भी फाइव होते हैं, 1 2 3 4 5 फाइव वॉवल्स होते हैं ना, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। जब भी हम वॉवल्स बोलेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे, हमारा मुंह बंद नहीं होगा, हमारा मुंह ओपन रहेगा और ज़बान हमारी ना लिप्स पे टच होगी ना टीथ पे टच होगी, ओके। और एक और बात, कोई भी चीज़ होती है, किसी का नेम हो गया, प्लेस, एनीथिंग, विदाउट वॉवल कंप्लीट नहीं है, ओके, विदाउट वॉवल कंप्लीट नहीं है। अब आगे, अभी तो आप अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, अब आगे आप लोग वर्ड सीखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कोई भी वर्ड विदाउट वॉवल कंप्लीट नहीं होता, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, राइट द वॉवल इन फिंगर्स, हमें इसकी फिंगर्स पे वॉवल राइट करने हैं, ओके। व्हाट इज दिस, ए ए, ओके। अब हम इसको वॉवल में ए पढ़ेंगे, ए, ओके। नाउ ए ई, ए ई, सो यहाँ पे ए हमारे पास ऑलरेडी राइट है, तो ए के बाद कौन सा वॉवल आएगा, ई, सो ई राइट हियर, ओके, ए ई आई, ओके, राइट हियर, ए ई आई, ओके। नाउ ए ई आई ओ, तो यहाँ क्या आएगा, ओ, वी राइट हियर, ओ, ए ई आई ओ, यहाँ क्या आएगा, लुक एट वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, यस, यहाँ क्या आएगा, यू आएगा, सो राइट यू हेयर, वाओ, ओके। नाउ रीड विद मी, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये फाइव वॉवल्स हैं, आपको लर्न करना है, मैं आपसे सुनूंगी, ओके। Now come into next question. Write from A, A, Z, Z. हमें क्या करना है, राइट करना है A to Z और A to Z और A to Z, यानी कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स राइट करने हैं, ओके। हमारे पास ट्रेसिंग तो ऑलरेडी दी हुई है, ट्रेस भी करना है, और जो हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको हमें फिल करना है, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, ट्रेस इट, ए, पहले हम कैपिटल मेक करेंगे, फिर हम स्मॉल मेक करेंगे, ओके, ए बी, और स्मॉल इसका यंगर ब्रदर का क्या नेम होता है, ब, ओके। नाउ ए बी सी, और सी के यंगर ब्रदर का क्या नेम है, छोटे भाई का क्या नाम है, ख, एंड व्हाट कम आफ्टर ख, डी, व्हाट कम आफ्टर सी, डी, एंड व्हाट कम आफ्टर ड, ख, ड, ओके। नाउ A B C D and what come after D, E, और E के छोटे भाई का क्या नाम है, A, ओके। नाउ what come after E, F, and F के younger brother का क्या नेम है, F, ओके। नाउ G, और G के younger brother का नेम है G, और जी के बाद क्या आता है, व्हाट कम आफ्टर जी, एच, और एच के यंगर ब्रदर का क्या नेम है, एच आई, और आई के यंगर ब्रदर का क्या नाम है, ई, जे, ज, जे आफ्टर जे व्हाट कम, के, और के के यंगर ब्रदर का नाम है का, व्हाट कम आफ्टर के, एल,
एंड एल के यंगर ब्रदर का नाम है उ. एम एम एन एन के यंगर ब्रदर नेम इज एन के यंगर ब्रदर का नेम है न. ओके एन व्हाट कम आफ्टर एन ओ एंड ओ के यंगर ब्रदर का नेम है ओ के बाद पी. ओके प क्यू क्वे आर एस एंड टी ट यू अ वी डब्ल्यू व एक्स Y W Z Z. ओके इसी तरह जिस तरह टीचर ने नीट एंड क्लीन राइट करा है सेम एज ऐसे ही आपको भी राइट करना है. ओके नाउ स्टूडेंट्स दिस पेज इज फिनिश. नाउ कम इन टू नेक्स्ट पेज. ओपन पेज नंबर 61. Open page number 61. What we doing here? We doing what comes after. What comes after. Okay students, what comes after means हम तो ये मैथ्स में करते थे, अब ये इंग्लिश में कहाँ से आ गया? अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना. So this is our activity. ये as a activity है जो हम अपनी बुक में परफॉर्म करेंगे. ओके नाउ व्हाट कम आफ्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट डेट हियर. 12 इज अ मंथ ऑफ दिसंबर एंड 2020. ओके नाउ व्हाट इज दिस. ए के बाद क्या आता है? व्हाट कम आफ्टर ए. व्हाट कम्स आफ्टर ए ब. यहाँ पे हमारे पास राइट हुआ है ब, तो हम इसको ट्रेस कर लेंगे. ओके वी ट्रेस इट. ओके व्हाट इज दिस. ख. व्हाट इज दिस. ख. व्हाट कम आफ्टर ख. ड. यस राइट ड. व्हाट इज दिस. ए. व्हाट इज दिस. What come after a? Right. Now come into next. What is this? G. What is this? G. And tell me what come after G? What come after G? Right. Huh. Draw a straight line. Go up and make a bump T. What is this? E. E. And what come after E? J. Okay. What is this? K. What is this? K. And what come after K? L. Lamp. What is this? M. What is this? M. And what come after M? M. N. Net. What is this? O. O. What come after O? P. Come into next. What is this? Qu. What is this? Qu. And what come after Qu? Dr. Okay. What come after? S. What come after S? T. And what come after O? W. Okay. What is this? W. Watch. W. Watch.
एंड वॉट कम आफ्टर वॉक Now, what is this? Yeah. And what come after yeah? Okay. Now, students, come into next line. Next question. Write in between. What we doing? Write in between. Between means center mein. Okay. Ye two words, two alphabets write hai. Inke center mein. हमें क्या राइट करना है. ओके नाउ ए और ख, ए और ख के सेंटर में क्या आता है? ब. ड्रॉ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस एंड डू दिस. ओके नाउ ये तो अब हमारे पास स्ट्रेट राइट हुआ हुआ था, हमें तो पता था जब ही. अब हम मुझे बताएं ड और फ, ड और फ के सेंटर में क्या आता है? अब हम पढ़ेंगे ए ब ख D and what come after D? E, right? E, okay. Now G, E. इनके between में क्या आता है? What come in between? G के बाद क्या आता है? Yes, ha. Right, ha. Draw a straight line, go up and make a bum T. J, L, J, L. Tell me what come after between, what come in between? Ja ke baad kya aata hai, what come after ja? Yes, ka. To inki between mein kya aayega? Ka. What is this? And what is this? A. And what come in between? Yes, इसी तरह आपको भी घर में खुद राइट करना है. ओके प स र, सॉरी प स र. एंड व्हाट कम इन बिटवीन? प के बाद क्या आता है? क्वे, राइट क्वे, गुड. स अ. एंड व्हाट कम इन बिटवीन? स के बाद क्या आता है? यस ट, राइट ट. व एन क्स, इनके सेंटर में क्या आता है? वो. ओके आप लोग सोच रहे होंगे सेम साउंड मिस क्यों प्रोनाउंस करिए, बिकॉज व की जो साउंड है बिस बिल्कुल हल्की सी वाइब्रेशन है बस. ठीक है तो मैं थोड़ा जोर से कर रही हूँ इसलिए आपको सेम साउंड लगेगा. ओके लेकिन सिर्फ हमारे ऊपर वाले तीर जो है नीचे वाले लिप्स पे टच करेंगे और हल्की सी वाइब्रेशन होगी. दिस इज़ अ साउंड ऑफ वॉस. ओके एंड दिस इज़ अ साउंड ऑफ वो. ओके नाउ या. ओके ओके स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको अपना नीट एंड क्लीन वर्क करना है पेज नंबर 60 पे एंड पेज नंबर 61 पे. ओके एंड वॉवल्स लर्न करने हैं. हाउ मैनी वॉवल्स वी हैव? वी हैव 5 वॉवल्स ए ई आई ओ यू. ओके ये हमारे वॉवल्स हैं, इनको लर्न करना है. मुझे वॉइस नोट सेंड करने हैं वॉवल्स के और अपना वर्क नीट एंड क्लीन करके टेक अ पिक्चर एंड सेंड मी इन ग्रुप. इफ यू वर्क इज गुड सो आई गिव यू अ लॉट्स ऑफ स्टार. टेक केयर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.